अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाही व बरकातहू। वेलकम टू ज़ैनब किचन। आज हम बनाने वाले हैं पुदीना और नींबू का शरबत। इसके लिए हमने पुदीना दिए हैं एक गड्डी, उसको अच्छे से साफ करके धो के हमने रखे हैं क्योंकि उसके ऊपर मिट्टी वगैरह बहुत लगी हुई रहती है, इसलिए अच्छे से उसको दो तीन पानी से धो के लेना है। ये हमने एक मिक्सी जार लिए हैं, पुदीना डालेंगे इसमें। पुदीने की तासीर बहुत ठंडी होती है, गर्मियों के मौसम में बनाकर इसे ज़रूर पीना चाहिए, बहुत ही फायदेमंद होता है। आधा टीस्पून हमने काला नमक लिए है, इसका एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है। भुने हुए जीरे का पाउडर थोड़ा सा, पाव टी स्पून के बराबर। जीरे को हमने भून कर एक डब्बे में क्रश करके रखे हैं, जब भी लगता है हम यूज़ करते हैं। अभी हम इसको थोड़ा सा पानी डालकर पीस कर लेंगे। पुदीना हमारा पीस कर हो गया है। अभी हम एक गैस के ऊपर बर्तन रखे हैं, एक बाउल हमने शक्कर लिए है वाइट करेंगे और उसी में आधा बाउल पानी। शक्कर की हमें एकदम चाशनी नहीं बनानी है, एक या दो दाल की, सिर्फ इसे चिपचिपा बनाना है, जैसे शहद होता है ना, हाथ में लगने के बाद चिपचिपा लगता है, उस टाइप का ही हमें बनाना है। पुदीना हमने पीस के रखे है, उसको हम छान के लेंगे। वैसे तो छानना नहीं चाहिए, पुदीना बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन बच्चे पीने में बहुत नखरे करते हैं। बच्चे के अगर मुंह में आ गया ना तो पीने नहीं मांगते, इसलिए हम इसको छान कर लेंगे। वापस से हमने इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको और अच्छे से मिक्स करके वापस छान के लिए है। जो छन्नी में बचा था वो वाला, देखिए अभी पूरा निकल गया है इसका जूस। शक्कर भी हमारी मेल्ट हो गई है, अब पुदीने का रस ऐड करेंगे। अब फास्ट गैस के ऊपर इसे थोड़ा चिपचिपा होने तक पका कर लेंगे। इस पॉइंट पे हम थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड करेंगे, एक अच्छा लुक दिखने के लिए, ये ऑप्शनल है। वैसे भी कलर अच्छा नहीं होता है, पर एक वीडियो में अच्छा एक कलर दिखने के लिए। ये देखिए सिरप हमारा अच्छे से पक गया है, मतलब एकदम तार जैसी चाशनी नहीं बनी है, सिर्फ ऐसा चिपचिपा बन गया है। देखिए अभी हम गैस बंद करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। सिरप पकने के बाद हमने निकाल के रखे थे एक पतीले में, अच्छा ठंडा हो गया है। इस पॉइंट पे हम नींबू का रस ऐड करेंगे। ये चार पांच नींबू का हमने रस निकाल कर लिए है। एक बात ध्यान में रखें, सिरप पकते वक्त नींबू ऐड ना करें, वरना एकदम ही कड़वा कड़वा हो जाएगा, और गरम गरम इसमें भी ना करें, अच्छे से ठंडा होने दे फिर ऐड करें इसमें। इसको अभी हम अच्छे से मिक्स करके लेंगे। नींबू हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, अभी हम इसे सर्व करेंगे। ऐसे बनाकर आप एक बॉटल में भर के रखेंगे फ्रिज में तो एक महीने तक खराब नहीं होता है। ग्लास लिए हमने, बर्फ ऐड करेंगे। आप चाहे तो ठंडे पानी में भी बना सकते हो फ्रिज के। ग्लास में हम 3 से 4 चम्मच सिरप लेंगे। अभी हम एक सोडा वाटर लेंगे, आप चाहे तो पानी भी डालकर बना सकते हो पानी से, लेकिन सोडे से बहुत अच्छा लगता है।
आप भी इसी तरह बनाइए और सबको खिलाइए पिलाइए गर्मियों में। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।